हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्लॉग फॉर्मेट देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप सबने मुझे इतना बोला कि रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट का जो साड़ी वाला लुक है वो प्लीज रिक्रिएट करो। एंड मुझे याद है आलिया भट्ट का जब मैंने वेडिंग लुक रिक्रिएट किया था तब वो हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में गया था, तो आप सबको रिक्रिएशन इतने पसंद है। एंड जैसे कि आपको पता है हमारा यू नो द ड्रिल, मैं पहले मेकअप करूंगी, आउटफिट पहनूंगी, उसके बाद सूरज का हम रिएक्शन लेंगे कि उसको कैसा लगता है। एंड लास्ट टाइम मैंने, मुझे याद है तभी पहनी होगी साड़ी, और उसके बाद तो मैंने साड़ी नहीं पहनी। मैं तो नहीं पहनती साड़ी क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं उसमें गुड्डे जैसी लगूंगी। सो यस, दैट विल बी डूइंग टुडे। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मेरी साड़ी आ चुकी है, वो कैसी दिखती है। सो गाइज, ये है वो कसाटा लुकिंग साड़ी जो मैंने अमेजोन से मंगाई है। एंड आई एम एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज अबाउट द ब्लाउज। मुझे एक टॉप है मेरे पास, वो देखना पड़ेगा, अगर मैच कर गया तो परफेक्ट, नहीं किया तो कुछ और जुगाड़ करेंगे। ये मैंने मीशो से मंगाया था टॉप। सो बेसिकली ये भी, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉप तो है नहीं, ये तो कोई हैंकी जैसा लग रहा है, बट ये कुछ कुछ वैसा ही लगेगा। आई एम नॉट रियली श्योर, बट मैं ट्राई करूंगी। और मैं जल्दी ही एक मीशो का हॉल भी बनाने वाली हूँ, बिकॉज यू गाइज रिक्वेस्टेड। सो योर ऑर्डर इज माई कमांड, ऐसा कुछ होता है ना। अब ये जो आपको पीछे बेज कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, अब पूरे वीडियो में आपको यही दिखेगा। एंड मैं शिफ्ट हो रही हूँ फोन से कैमरा में, सो सी यू इन द कैमरा। तो गाइस, जो लुक हम आज क्रिएट करने वाले, रिक्रिएट करने वाले हैं, वो आपको यहाँ कहीं आसपास दिख रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं यूज कर रही हूँ शुगर का गॉडेस ऑफ फ्लॉलेस परफेक्टिंग प्राइमर। सो ये मुझे मिला था एज अ फ्री गिफ्ट, मैं ऐसे एक शॉप पे गई थी, तो मैंने सोचा कि आज ये भी मैं यूज करके देखती हूँ। इससे पहले मैंने कभी ये यूज नहीं किया है, एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। तो देखते हैं ये मेरे मेकअप को कितना अच्छे से मतलब पकड़ के रखता है। मुझे ज्यादा ना इस एरिया में लगाना पसंद है क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पोर्स है वो विजिबल हो जाते हैं, फिर मेकअप में वो अच्छे नहीं लगते। सो इस मूवी में जो आलिया भट्ट की आईज है वो एकदम, इन्होंने कोल्ड जेट ब्लैक काजल लगाकर एकदम ना ऊपर और नीचे से बहुत अच्छे से उसको स्मोकी इफेक्ट में दिखाया है। लाइक इन एंटायर मूवी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यूड लिपस्टिक्स लगाई है, सो हम वैसा ही कुछ करेंगे। सो इट्स अ वेरी बेसिक लुक, बट इट गिव्स अ वेरी बोहो वाइब। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विथ माई बेस, एंड आई एम यूजिंग टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे मल्टी यूज स्कल्पिंग कंसीलर अंडर माई आईज, बहुत थोड़ा। आलिया, जब भी कोई मेकअप लुक आलिया का फेमस होता है मैंने हमेशा दिखाई, इट्स वेरी मिनिमल। ये वाला उतना मिनिमल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कवरेज रखूंगी। आई थिंक दैट्स Enough. एक और चीज मैंने नोटिस किया आलिया के इस लुक में, हर फेस इज सो चिजल्ड, अनलाइक माय फेस इट्स वेरी लाइक अंडा शेप्ड, बट मुझे तो बहुत सारी कॉन्टोरिंग करनी पड़ेगी, मैं तो कहीं से आलिया नहीं लगूंगी। और सूरज भी मेरे मुंह पे क्या देगा, तेरा मुंह ठंडे जैसा है। सो माय शार्लेट टिलबरी फ्लॉलेस फिनिश पाउडर, आई डोंट नो वेयर इट वेंट, इट जस्ट वेंट मिसिंग, आई डोंट नो वो कहां पर है। तो इसलिए मुझे अपना हुला का ब्राउन्जर यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर कॉन्टोर तो नहीं करती हूँ, मैं बस अपने ब्राउन्जर को लेके और लाइक ऐसे अपने फेस पे इस तरीके से, या आई जस्ट लाइक टू गो लाइक दिस ऑन माई फेस, एंड आई लाइक टू ब्लेंड इट अपवर्ड्स सो दैट वो शेडो बनता है एंड मेरा फेस थोड़ा सा ऐसा लगे। माई कॉन्टोरिंग एंड माई बेस इज डन, और अब मैं जाऊंगी अपने आईज पर सीधा। पहले मुझे इसको पूरे फेस को सेट करना है, सेट सॉरी। तो यूजली मैं ये आईब्राउ पेंसिल और ब्लेंडर यूज करती हूँ, या तो हुडा का या तो बेनिफिट का, बट आज मैं सीधा अपने पैलेट से पिक करके अपने आईज पर ब्लैक पिगमेंट देने वाली हूँ अपनी आईब्राउज को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक चाहिए। सो आई जस्ट पिक दैट विद एन एंगुलर ब्रश एंड गो जस्ट लाइक दैट ऑन माई आईब्राउज। Oh God, I can see that getting dark already. Now I'll take concealer. और क्योंकि मेरे eyebrows अभी done नहीं है, so I'll have to like sculpt them a little bit. मैंने fill की है, but ये बहुत ही roughly filled है. अभी just like that, I'm going below my eyebrows. तो एक lifted look आएगा, आप अभी देखोगे. See, it already makes a huge difference. ये इस तरीके से नीचे की तरफ आप इसे ब्लेंड करोगे, एंड यू डोंट नीड योर पार्लर वाली आंटी एनी मोर। अब ये पैलेट, पता नहीं क्यों मेरे पास इतने अच्छे अच्छे पैलेट होने के बावजूद हमेशा मैं इस पैलेट पे वापस आ जाती हूँ, जिसकी मेरी भांजे ने मतलब ये हालत कर दी है। बट आई एम गोना पिक दिस ब्लैक फ्रॉम योर एंड लाइक फॉलो माय आई का शेप जस्ट लाइक दिस, नो विंग नथिंग, यानी बहुत ही रफली करना है, बट ऐसा भी नहीं कि रफली करने के चक्कर में आंख से बाहर निकाल दिया। आंख को फॉलो करते करते आपको इसको लेना है। नाउ आई टेक दिस फ्लफी ब्रश एंड व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पर ये जो ब्राउन आपको दिख रहा है इसको और जो लाइट ब्राउन दिख रहा है ना, इन दोनों को मैच करने के बाद
थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके अपनी आईज यानी जो ब्लैक मैंने अपनी आईज पर लगाया इसको इस ब्रश से ब्लेंड करूंगी। तो इससे दोनों कलर भी ब्लेंड हो जाएंगे एंड मुझे जो स्मोक इफेक्ट है वो भी आ जाएगा। सो आई स्टार्ट ब्लेंडिंग एंड यू हैव टू कीप योर हैंड रियली रियली स्टेबल वाइल डूइंग दिस, नहीं तो अगर आप इधर उधर चले गए ना तो फिर पूरे लुक में ना मजा नहीं आएगा। ये देखो ऑलरेडी आना चालू हो गया, वो जो ट्रांजिशन ब्लैक और ब्राउन के बीच होता है ना, ये ट्रिक मैं हमेशा यूज करती हूँ जब भी मुझे स्मोकी आइज करनी होती है। नाउ टेक दैट सेम एंगुलर ब्रश और मैं तीनों कलर में हल्का हल्का सा इसको डिप करके नहीं कुछ भी कह सकते हो, पाउडर में डिप थोड़ी करते हैं, व्हाटएवर। तो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर इसको ऐसे लेने वाली हूँ, अगेन वेरी विथ वेरी लाइट हैंड, या जस्ट लाइक दैट। एंड नाउ आई विल ब्लेंड दिस ऑल अप। अभी तो मेरी आंखें एकदम पैंडा आईज लग रही होंगी, बट दैट्स व्हाट आई रियली वांट राइट नाउ। नो मैटर विच आई लुक यूर डूइंग, इफ यू डोंट टाइट लाइन योर आईज तो कभी अच्छा निकल के नहीं आएगा, स्पेशली अ स्मोकी वन। अब मैं अपने मस्कारा की तरफ मूव करने वाली हूँ एंड बिफोर अप्लाइंग मस्कारा मुझे प्राइमर, आई लैश प्राइमर की बहुत जरूरत होती है। अगर मैं नहीं लगाऊं तो फिर मेरी लैशेज नहीं दिखनी, किसी हाल में नहीं दिखनी। तो ये मैंने लिया और ऐसे लगाया। नाउ आई लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम स्मैशबॉक्स, बट इसका ये जो एप्लीकेटर है ना बहुत ही बकवास है, इससे आपकी लैशेस पे मतलब आप काम कर ही नहीं सकते हो। मुझे तो बहुत ही ऐसे लगाना पड़ता है कि बस जैसे तैसे मेरी आईज लैशेस कोट हो जाए। एंड नाउ आई एम गोइंग इन विथ माय फेवरेट मेबेलिन स्काई हाई, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ एक बार ये लग जाए अच्छे से। नाउ मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, लुक एट दिस आई, लुक एट दिस आई, the difference is huge, that's why I love it। ये होता है मेरे साथ मस्कारा लगाते टाइम, बट there's no need to panic। जब भी सूख जाएगा तो मैं इसे एक स्पूली लेके और पूरा निकाल दूंगी, स्क्रेप कर दूंगी। वन थिंग अबाउट आलिया भट्ट दैट यू cannot इग्नोर इज हर ब्यूटिफुल ग्लोइंग स्किन एंड आई एम gonna replicate दैट स्किन टूडे। ये कहाँ से आया? In my makeup, I mean, I at least need that reflections जो मेरे face पे अभी नहीं आ रहे क्योंकि मैंने बहुत सारा powder अपने face पे लगाया है। So with this technique, जहाँ blush और Charlotte Tilbury Hollywood flawless filter एक साथ लगाकर ऐसा दिखाएंगे जैसे हमारी skin अंदर से glow कर रही है। Because once you apply makeup like your real skin almost it वो वाली चीज़ होती है ना कि वो एकदम छुप जाती है। But with this hack, your blush also like settles down really nice on your skin and you also look really nice. Look at that glow. Love it. Same goes over here. Giving finishing touches to my makeup, eye makeup with this highlighter. And yes, our eye makeup is now done. We'll move to lips now. For my lips, I'm using this NYX lipstick and it is like a dark chocolate brown. But wo sirf main apne lips ko outline karne ke liye le rahi hu. Otherwise, that nude lipstick will wash me off. So, yes, just like that. I'll line my lips. I'm just softening this lipstick with my finger. Taki koi harsh lines na rahe. So I have these two nude lipsticks with me. This is from K Beauty. It's in the shade Snapshot and this is from Sugar. This is in the shade 19 Emma Woodhouse. Both are very viral. So first I'll go with Snapshot. Just like that. Yeah. Now I'll take a tissue and like bite once. Now is this a bite? No, that's not a bite. Okay. Now that I'm done doing this, I will take this shade because her nude lipstick has like more of orange and brown tone. So मुझे इससे वो tone perfectly मिल जाएगा. I'll just go less like that. I'll go. Okay. I like the shade. ये जो भी बन गया है काफी अच्छा बना है. Yeah, I mean I got the perfect nude. मुझे जो nude चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही निकल के आया. What do you think, guys? Now I'll take this gloss from MAC and I'll go all over my lips. Just like that. Oh, so pretty. Guys, it's now time for the main part. और मुझे पहनी है साड़ी. सबसे बुरी चीज ये है कि मेरे पास पेटीकोट नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे पहनूंगी, बट वील सॉर्ट समथिंग आउट. ना आज मेरे घर पे मेड आंटी है ना कोई और जो मुझे पहना दे, और ऑनेस्टली मुझे इतने अच्छे से साड़ी बांधना नहीं आता,
मैं दूसरी सारी चीजें कर लूंगी, मतलब उल्टी सुलटी तरीके से बांधूंगी, जो प्रॉपर साड़ी होती है ना वो, मतलब मुझे हेल्प चाहिए होती है क्योंकि मुझसे ना वो प्लीट्स हमेशा छूट जाती है। ओके लेट्स सी क्या होता है। गाइज ऑनेस्टली मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ मैंने इतनी अच्छी साड़ी कैसे बांध ली। एंड लुक एट द बैक ऑफ दिस ब्लाउज, एक्चुअली ये ब्लाउज नहीं है, ये मेरा एक टॉप है जो मैंने रिसेंटली मंगवाया है। बट आई मीन लुक एट दिस, ये तो मतलब मजा आ गया, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका है ये उस साड़ी की जो आलिया भट्ट ने पहनी है। तो हमारी साड़ी एकदम सही आ गई है, अब हमारे बाल बाकी हैं और हल्की सी ज्वेलरी, तो मैं फटाफट वो पहन के आती हूँ। भैया सोलिए, लो उठ जाओ, देखो दीदी ने ये लुक रिक्रिएट किया है वाला आलिया भट्ट का। अच्छा तो चलो बाहर चल के देखो, आ जाओ बुला रहे हैं आपको। रेडी हो गई हो? हो। आलिया तूने क्या लिया? कहाँ है आलिया? मेरी आलिया। सामने सामने बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सामने सामने उधर क्यों इधर से देखो? नहीं नहीं उधर से देख रहे हैं, इनको तो दिख नहीं रहा, आंखें बंद करके रखनी है, अभी दीदी आ रही है। ओके ओके चले चलो चलो, सामने ही आंखें बंद कर लेना, थोड़ा जरा आंखें बंद कर ले प्लीज। ओके 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 आंखें बंद, अगर आंखें खोली इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, रुक जा। 3 2 1 इधर 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 इधर, वाह मुझे फोटो दिखाना बोली, फोटो दिखाओ फोटो फोटो, रुक जा ये रहा मैं दिखाऊं क्या भी बनी थी भाई, साड़ी कहां से ली आई तू? ब्लाउज सेम सब्जेक्ट तो भाई, सब है ना, क्या लग रही है भयंकर है ना, देखो इसकी, देखो इसकी नींद नहीं खुल रही है, अगर ये लुक देख तेरी नींद नहीं खुलती तो तेरा कुछ नहीं होता। नींद ही में तो सारे पार्ट खुल गए शरीर। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रही है। थैंक यू सर, इस चीज के लिए तूने मुझे उठाया वहां से, और क्या, ये पूरा लुक मैंने क्यों बनाया है? तेरा रिएक्शन लेने के लिए। अच्छा हाँ इंपॉर्टेंट हूँ। अरे हाँ यार एक चीज तो बहुत दिन हो गए बोले हुए, क्या देख, क्या है? हाय ब्यूटीफुल, मस्त लग रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार, डिट्टो आ लिया, डिट्टो तो नहीं, डिट्टो तो नहीं, कोशिश की है तो उसके चक्कर में अभी थोड़ी सुंदर लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है। कमेंट कर देना आप लोगों को कैसी लगी, मेरे को तो बहुत मस्त लगी। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ऐसे रिक्रिएशंस और चाहिए तो, और सूरज का रिएक्शन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल, तारीफ कराइए, यस तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय।